मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार की मांग अब उत्तर प्रदेश में भी खूब होने लगी है। डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे और समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। एक मंच पर यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों ने पहली बार प्रचार किया। देखिए एक मंच और दो मुख्यमंत्रियों की ये कहानी। यादव लैंड में मोहन योगी, इस बार जीत किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर लगातार वीवीआईपी दौरे हो रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान जो है, लिहाजा दो राज्यों के मुख्यमंत्री यहां अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी। पहली सभा संभल में तो दूसरी बदायूं में हुई। दोनों मुख्यमंत्री एक साथ कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। यहाँ फार्म भरवाने के लिए आया था तो यहाँ से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब, आप तो एक ही परिवार को जानते, बाकी से क्या लेने देना है, आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए, वो केवल घर में समेट कर रखना चाहते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर महीने उत्तर प्रदेश पहुंचकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 13 फरवरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 3 मार्च लखनऊ उत्तर प्रदेश, 15 अप्रैल मैनपुरी उत्तर प्रदेश, 29 अप्रैल अमेठी उत्तर प्रदेश, अब 3 मई बदायूं संभल। यादव मुस्लिम वोटर्स के एकजुटता के चलते बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 2019 में यहां से सपा बसपा के गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, हालांकि सत्ता पर कब्जा बीजेपी ने ही किया। इस बार समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, लिहाजा मोहन यादव को यहाँ आना और जनता को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं, एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से। एक ही परिवार में इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं, तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। अरे सच्चे यदुवंशी वो जो धर्म का काम करे, कोई अधर्म वाले से हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अभी बड़े भाई छोटे भाई का हम नाटक देख रहे हैं केवल कुर्सी के कारण से, ये कभी कोई सच्चा यदुवंशी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। और आपकी बार का 2000 अपना ये 24 का वोट ये गोपाल कृष्ण के धाम को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। बीजेपी के लिए कब्जा बनाए रखने की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाने की। पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। यादव बहुल सीट संभल पर इस बार मुकाबला कड़ा है, इसे डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी आलाकमान ने खास तौर पर यहाँ भेजा। बीजेपी को अपनी सीट बचाए रखना है, इसलिए एक साथ दो मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर प्रचार करने के लिए कहा। देखना है संभल सीट पर इस बार क्या रुझान रहता है।